हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, कविता का प्यार भरा नमस्कार। ध्यान के 22वें दिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम। प्रकृति ने हमें अनगिनत अमूल्य उपहार दिए हैं जिनका रुपए पैसे से मूल्यांकन करना संभव ही नहीं, जिन्हें दुनिया की कोई भी शक्ति खरीद नहीं सकती, बड़ी से बड़ी ताकत बना नहीं सकती, उसका अल्टरनेटिव नहीं ला सकती। परमात्मा की विशाल सत्ता के आगे सभी बौने हैं, फिर भी ना जाने उसी की बनाई सृष्टि में उसी के दिए जीवन को पाकर ये मानव इतना उद्दंड व अभिमानी कैसे हो सकता है कि अन्य जीवों की हत्या करता है, चहू और विनाश की लीला रचता है, प्रकृति के असंख्य भंडारों को लूटना खसोटना चाहता है, फिर भी इस मनुष्य का स्वार्थ और लालच खत्म ही नहीं होता। आज हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उस प्यार को महसूस करेंगे जो माँ प्रकृति ने चारों ओर हमारे लिए बिखेर रखा है। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, वो एक संत के पास गए कि, और संत जो थे उनकी आवभगत से बहुत प्रसन्न भी हो गए और उनको आशीर्वाद दिया कि आपके सातों आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत सुख से रहेंगी। अब ये सुनकर वो जो राजा थे, जब वापस अपने घर पर आए, अपने महल में आए, तो बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा, ये महाराज ने, साधु महाराज ने मुझे सिर्फ सात आने वाले वंशज जो हैं, आने वाली पीढ़ियाँ, सिर्फ सात पीढ़ियों का आशीर्वाद दिया, मेरे आने वाली आगे एट्थ पीढ़ी का क्या होगा, जो आठवां वंश आएगा, वंशज आएगा, उसका क्या होगा। और वो बड़े उदास हो गए, बड़ी सोच में पड़ गए, एकदम बिस्तर पे पड़ गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत उदास हो गए वो। फिर कई दिनों बीत गए ऐसे इसी हालत में। फिर एक दिन वो वापस उन्हीं महाराज के पास गए। बोले, महाराज मैं तो, मेरी दुविधा दूर कीजिए। सो हाँ, बोले बताइए। तो महाराज क्या करना है? बोले, आपने सिर्फ सात पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दिया, आठवीं पीढ़ी के लिए क्या करें? आप मुझे आठवीं पीढ़ी के कल्याण के को उपाय बताइए। बोले, अच्छा एक काम करो, वो मैं उपाय आपको बता दूंगा। आपके गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक विधवा, एक बुढ़िया औरत रहती है, आप वहाँ जाकर उसको कुछ दान देकर आ जाइए। हाँ, और उसके बाद मैं आपको आपकी आठवीं पीढ़ी की कल्याण का मैं आपको रास्ता बता दूंगा। महाराज ने कहा, ये तो बड़ा ईजी हो गया, बड़ा खुश हो गया। वो लेकर के गया वहाँ पर और मिलने के लिए, तो उसको पूछा, सामान लेकर के गया, बहुत अनाज पैसा लेकर के, बुढ़िया है, विधवा है, उसको पूछा, आपको क्या चाहिए, आप ले लीजिए। बोले, नहीं महाराज, मेरे पास तो आज के खाने की व्यवस्था हो गई है, आज का खाने का तो मेरा जुगाड़ हो चुका है, अब आपको जो भी देना हो आप कल आइए, कल देखेंगे, अब आज का तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने कहा, मैं इतना दूर चलकर आपके लिए आपके पास आया हूँ और इतना सामान लेकर आया हूँ, आप रख लीजिए कल के लिए। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे सामान जमा करने का मेरा आदत नहीं है, आज का काम तो हो गया, कल का कल देखेंगे। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बुढ़िया ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, कल का भरोसा भी नहीं था, उसने कहा, मैं आज मैं बहुत खुश हूँ और कल की मुझे कोई चिंता नहीं है, जिस परमात्मा ने आज खाने को दिया वो कल भी दे देगा। और इतनी सी बात उसने कही और ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने कहा, इतना देने के बाद ये एक लाचार अकेली औरत, जिसके पास कोई ज़्यादा साधन नहीं है, कुछ जोड़ा हुआ संग्रह किया हुआ नहीं है, फिर भी इसको लालच मात्र नहीं है, और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, सात पीढ़ी आने वाली उनका आशीर्वाद पाने के बाद भी आठवीं पीढ़ी की चिंता करके रो रहा हूँ, बीमार पड़ा हूँ, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। बस कुछ ऐसा ही हम सब भी कर रहे हैं दोस्तों, कल की चिंता में, भविष्य की चिंता में अपने आज को, अपने वर्तमान को हम परेशान कर रहे हैं, दुखी होकर जी रहे हैं। एक कविता मैंने लिखी है आज ही, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उठे आशा के अंकुर, उगने लगी नई बहार, हुआ नई ऋतु का आगमन, बिखरा सतरंगी आभामयी संसार, खिला धरती का यौवन,
दिया हरियाली ने दीदार, महक उठा बन उपमन, फल फूलों से लदी डालियां, मन मुदित हो गुंजित करे यही पुकार, विश्व विधाता तेरी अनुपम रचना का, क्यों कर करूं प्रगट आभार, क्यों कर करूं प्रगट आभार। और एक है, यह प्रकृति कुछ कहना चाहती है, अपने दिल का भेद खोलना चाहती है, भेजती है हवाओं द्वारा अपना संदेश, ज़रा सुनो तो जो ये कहना चाहती है। उसका अरमान, उसकी चाहत है क्या, सिवा आदर के वो कुछ चाहती है क्या, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ख्याल, और भला वे हमसे क्या मांगती है। यह चंचल नदियाँ, इसका लहलहाता आंचल है, काले केश काली घटाओं सा बादल, हरे भरे वृक्ष पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, हरियाली सी साड़ी में लगती है क्या कमाल, है ताज इसका यह हिमालय पर्वत, यह रंगीन बदलते हुए मौसम, शीत बसंत ग्रीष्म और सावन, सुख दुख जैसे ये दिन रात, प्रकृति पर है यदि निर्भरता हमारी, सच मानो माता यही हमारी, हमारे अस्तित्व की परिभाषा अपूर्ण है इसके बिना, यही जीवनदायिनी मुक्तिदायिनी हमारी, अपने ही मूल से रहे अनजान हम, दिया ही दिया उसने अब तक अपना सर्वस्व, कभी लिया नहीं, उसकी उदारता का मूल्य क्या चुका पाएंगे कभी हम। सो फ्रेंड्स, हम सिर्फ ले रहे हैं इस माँ प्रकृति से, और हमें देना नहीं आ रहा। हमने लाखों लाखों वर्षों से, मनुष्य ने इस धरती माँ को, प्रकृति को, इसमें वन औषधि वनस्पतियाँ जो सब प्रकार से हमारा उद्धार कर रही हैं, हमें जीवन दे रही हैं, हमें खाना दे रही हैं, अन्न दे रही हैं, अनगिनत प्रकार के फल फूल पौधे दे रही हैं, हमने कभी उसकी वैल्यू नहीं की, उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। तो आज हम वही करने वाले हैं, कुछ और मंत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं। एक दो मैंने लिए हैं आज आपके लिए। मैंने लिया है यजुर्वेद का एक मंत्र, जो सुबह उठते ही प्रार्थना करने का है। हमने रात के मंत्र सीखे थे, अब ये सुबह प्रातः काल का मंत्र है, जो मैं बचपन में भी बहुत पढ़ती थी, और इसका उसका अर्थ जो है कविता के रूप में मेरे बहुत बहुत हमारे जेठ जी हैं और उनके दादाजी श्री लालमन जी आर्य के द्वारा रचित है इसका अर्थ, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत्रुद्रम हुवेम। फिर आई एक नई सुबह, फिर मन में नव उल्लास हुआ, आँखों ने देखा तेज रूप जब चमकीला आकाश हुआ, सुंदरता पृथ्वी पर बिखरी, ऐश्वर्य रूप ईश्वर का यह, हम सबको मिलता है समान, न्यायी ईश्वर आभास हुआ, रोगों का वह करता विनाश, दुष्टों का करता सर्वनाश, वह भाग्य विधाता पोषक है, हर वक्त हमारे पास हुआ, वह ज्ञान रूप वह ज्ञाता है, वह शांति रूप वह त्राता है, वह रौद्र रूप वह सोम रूप, कण कण क्षण क्षण में वास हुआ। इस मंत्र का अर्थ इंग्लिश में ऐसा है, वी मेडिटेट गॉड इन द मॉर्निंग इन द फॉर्म ऑफ फायर द अग्नि, इन द फॉर्म ऑफ पावर द इंद्र, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड एंड कंपेनियन द मित्र वरुण, इन द फॉर्म ऑफ गुड हेल्थ द अश्विनो, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ द भागा, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट प्रोटेक्टर द पोषा, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट नॉलेज द ब्रह्मणस्पति, इन द फॉर्म ऑफ पीस द सोमा, एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोरियस फाइटर द रुद्र। फ्रेंड्स, माँ प्रकृति ने चारों ओर अपनी सुंदर छवि बिखेर रखी है, जो हर ओर से हमारा पोषण कर रही है। पिछले 5 दिनों में हमने प्रकृति के 5 डिफरेंट फॉर्म्स को, तत्वों के बारे में जाना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और स्पेस, अंतरिक्ष। अब इसके साथ ही एक और प्रार्थना है, ये सब हमारा पोषण कर रहे हैं, हमको लगातार दे रहे हैं,
हमारा काम सिर्फ इतना है, हम एक धन्यवाद के साथ माँ प्रकृति परमात्मा का धन्यवाद करें इन सब चीज़ों का जो हमें बिना मांगे इतनी सुंदरता से मिली हैं। हमारे हर चीज़ का, हमारा पोषण का, हर वक्त हर चीज़ का हमारे ध्यान रखा गया है। तो हम भी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम स्पीशीज़ होने का, हमारा सबसे श्रेष्ठ जब हमारे पास बुद्धि है, मनुष्य का हमें जन्म मिला है, जीवन मिला है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम बाकी अन्य जो भी जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखें और जो भी हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका हम सावधानी से उनको इस्तेमाल करें ताकि आने वाले लोग भी, आने वाली जनरेशन्स भी उनको, उनका सही इस्तेमाल कर पाएँ, उनके लिए हम इन्हें संजो पाएँ ठीक से। सो इन सब का ध्यान रखते हुए चलिए सामवेद का एक और मंत्र सुनते हैं, जो इस प्रकार है। ओम का इमम नाहुषिश्वा इंद्रम सोमस्य तर्पयात सनो वसुन्य भरत। हे प्रभु, इन बादलों में मीठा जल भर दो, धरा पर परोपकारी मनुष्यों को इसकी आवश्यकता है। ये बादल अपना मीठा जल बरसा कर हमारे खेत खलियान हरे भरे कर दें। मेघ दो प्रभु, वृष्टि दो, सरस अमृत वृष्टि दो, मधुर रस से तृप्त हों, शुष्कता से रिक्त हों, बादलों के दरस से तृप्त हो वह दृष्टि दो, धरा का श्रृंगार कर, जीव का उद्धार कर, यूं हरित महकी रहे ऐसी मोहक सृष्टि दो। इन प्रार्थनाओं के साथ हम परमात्मा के साथ ये मांगें कि हमें मांगना भी आता नहीं है, हम सही प्रार्थना करना नहीं जानते। तो वेदों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से जहाँ ग्रैटिट्यूड का भी भाव है और जहाँ मांगने का भी बड़ा सुंदर है कि प्रभु हम सबको दो, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए आप दीजिए। और यहाँ यही प्रार्थना थी और इस प्रार्थना को, इस भाव को हम जिए कि प्रभु सबका कल्याण करें, सबको ही दें। वेद के इन मंत्रों की प्रार्थना के साथ चलिए आज की हम यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपना ध्यान करें इसी भाव के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ। चलिए आवाहन करते हैं वनस्पति जगत का और उससे जुड़ते हैं। किसी भी बहुत बड़े वृक्ष के बारे में सोचिए जिसे आपने कभी देखा हो बचपन में, जहाँ जिसके साथ आप खेले हों, उसको याद कीजिए मन ही मन। एक छोटे से बीज में इतनी विशाल संभावना हो सकती है, ये उस बीज को भी स्वयं नहीं पता होता। ऐसे ही ये बहुत सुंदर एक लेसन है जो हमने सीखा माँ प्रकृति से, इन पेड़ों से, वनस्पतियों से, कि हमारे अंदर भी वो असीमित संभावनाएं हैं, हम भी वो सक्षमता अपने भीतर रखते हैं यदि हम शांति के साथ, साइलेंस के साथ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब हम स्वयं को मिटाने के लिए, अपनी ईगो को ख़त्म कर, बिना किसी को जांचे परखे तुलना किए, शांति के साथ, साइलेंस के साथ, बिना कोई जल्दबाजी किए, स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ, जब हम वृक्षों के जैसे परोपकारिता के भाव को समझने लगें, उनके गुणों को धारण कर लें, उनके जैसे दूसरों की भलाई के लिए, जैसे वो वर्षों से लगातार खड़े हैं मानो तपस्या कर रहे हों, हमें 24 घंटा ताज़ी फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारे दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन में बदल दे रहे हैं, कितना बड़ा परोपकार है ना ये दोस्तों। महान बड़े वृक्ष को हम देख रहे हैं, उसके लिए, उसके अंदर, उसके भीतर बहुत गहराई तक उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव है,
उसकी जड़ें हैं जो उसे पोषण दे रही हैं। महसूस कीजिए स्वयं को एक वृक्ष के रूप में। आपके मन पसंद बचपन से जो आपने देखा हो, कोई भी बड़ा महान वृक्ष, उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। आंखें बंद सुखद मुद्रा में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियां आपस में बंधी हुई, क्रॉस्ड लेग्स, कमर और गर्दन सीधी स्ट्रेट, आंखें बंद, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान और कुछ नहीं, बस आती हुई और जाती हुई सांस और हर सांस के साथ अपने भीतर गहराइयों में उतरते जाएंगे। जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष की उतनी ही गहरी लंबी जड़ें जमीन की भीतरी सतह पर विद्यमान रहती हैं, जिनके बगैर पेड़ का अस्तित्व असंभव है, उसी प्रकार महसूस कीजिए अपने भीतर अपनी जड़ों को, अपने आधार को, किस प्रकार हर सांस के साथ अपने भीतर गहराइयों में अपने आधार को, अपनी जड़ों को देख पा रहे हैं। गहरी सांस भरिए, महसूस कीजिए, मुस्कुराइए अपने संतुलित जीवन के लिए। मैं संतुलित हूँ, अपने आधार से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राउंडेड हूँ, स्वयं को हील कर सकता हूँ, मुझ में भी संयमता है, धैर्य है, पेड़ के जैसे मुझ में भी वो असीमित संभावनाएं हैं, वृक्ष के बीज के जैसी जो मिट्टी के भीतर दफन होकर अपनी हस्ती को मिटाकर एक महान वृक्ष को जन्म दे देता है। उसी प्रकार मुझ में भी है वो क्षमता, मैं भी वो सब सृजन कर सकती हूँ। जैसे वृक्ष हजारों को छांव देता है, आश्रय देता है, हजारों पंछियों को बसेरा देता है, ठंडक देता है, सारा जीवन हमारी सेवा करता है, फल फूल पत्ते जड़ें दवाइयों के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, किसी पेड़ की पूरे तने को भी हम खा सकते हैं, पत्ते फल फूल इत्यादि उसके वृक्ष की लकड़ी से भी घर बनाने के लिए हमें लकड़ी मिलती है पेड़ों के द्वारा, औषधियाँ मिलती हैं
पेड़ों के द्वारा। अमृत तुल्य शहद हमें मिलता है वृक्षों पर रहने वाली मधुमक्खियों के द्वारा। हम भी वृक्ष के जैसे परोपकारी बन सकें, दूसरों की मदद करने वाले हों, भलाई करने वाले हों। जैसे वृक्ष हमें पाठ देता है इन एंड आउट, अंदर भीतर और बाहर, इन दोनों सत्ताओं पर संतुलन बनाने का, हमारे भीतर भी एक आंतरिक सत्ता है, अपनी अंदरूनी शक्तियों के बारे में जागरूक रहकर अपने अंदर की शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं। महसूस कीजिए आप उस पेड़ में समा गए हैं और आपकी जड़ें अंदर गहराई तक और गहराई तक माँ वसुंधरा की आखिरी तह तक पहुंच गई हैं। फील एज इफ यू आर होल्डिंग मदर अर्थ, फील द सॉइल, द डैम्प फीलिंग ऑफ द सॉइल गोइंग डाउन इनटू द कोर ऑफ द अर्थ। Roots are going down to the core. Feel the pull. Breathe in and breathe out. महसूस कीजिए आपकी जड़ें माँ धरती की भीतरी सतह से पोषक तत्व सोख कर ग्रहण कर रही हैं और आप तक वो सभी पोषक तत्व पहुँच कर आपको शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। एक बार और गहरी सांस भरते हुए महसूस करेंगे अपनी जड़ों से पोषक तत्व अपने शरीर के हर कोशिका में पहुंचाने की। महसूस कीजिए धरती माँ से आप ऊर्जा पा रहे हैं।
while breathing out. महसूस कीजिए सभी बाहरी ऊर्जाएं ब्रह्मांड की आप अपनी आती हुई सांस के साथ अपने शरीर के भीतर ला पा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं. Breathe in and breathe out gently. Bring back पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड महसूस कीजिए. आई एम रिलैक्स्ड. बी देयर. अपने हृदय चक्र पर ध्यान दीजिए. एंड बी देयर एज लॉन्ग एज यू वांट. मैं पूर्ण रूप से इन पोषक तत्वों से हृष्ट पुष्ट हो गया हूँ. शारीरिक व मानसिक और आत्मिक रूप से मैं स्वयं को बहुत आनंदित महसूस कर पा रहा हूँ. अपना धन्यवाद व्यक्त करिए धरती माँ को, सभी गुरुओं को, मास्टर्स को, अपने माता पिता को, आचार्यों को, सभी गुरुओं को. संपूर्ण वनस्पति जगत को अपना धन्यवाद दीजिए. परमपिता परमात्मा का, सभी गुरुओं का धन्यवाद कीजिए. मन ही मन इस आनंद को महसूस कीजिए. प्रसन्न रहिए. आज का दिन मंगलमय हो.